everyone. Very good morning there. Hi, my name is Nafees Ahmad and you guys are watching Rocking Studies YouTube channel. Once again, I would like to welcome you here on behalf of Genesis International School. So guys, before starting the video, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपकी ज़िंदगी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चों से लेके बूढ़े बूढ़े लोग जो ओल्ड पीपल हैं वो भी उस चीज़ को यूज़ करते हैं। जी हाँ गाइज, आपके जिसके बिना आप यूट्यूब पे नहीं आ सकते, फेसबुक नहीं चला सकते, पबजी नहीं खेल सकते, डिफरेंट डिफरेंट गेमिंग्स आप नहीं खेल सकते, वीडियो सॉन्ग्स कुछ नहीं देख सकते। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन्स की। तो मोबाइल फ़ोन की दुनिया में आज हम एक चौंकाने वाला सच आपके सामने लेकर आए हैं, जो ऐसा सच है जिसको कोई जानता ही नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते होंगे, और जो जानते होंगे उनके लिए भी कुछ नया इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा और नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो आज के चौंकाने वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की दुनिया की, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स की दुनिया की, जो कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट पोजिशन पर आ गई कुछ ही दिनों में इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो लीड करती है पांच पांच मोबाइल कंपनीज को। जी हाँ दोस्तों, फाइव मोबाइल कंपनीज ये अकेली कंपनी लीड करती है, इन सब की पेरेंट कंपनी है। तो अगर हम बात करें इन फाइव कंपनीज की, तो ये कंपनीज ऐसी वैसी कंपनी नहीं है दोस्तों, ये अपने इंडिया की जानी पहचानी कंपनीज हैं जो मोबाइल की दुनिया को लीड करती है, मोबाइल की दुनिया में जानी पहचानी कंपनीज। जी हाँ, अगर हम बात करें इन कंपनीज की, तो पहली कंपनी है दोस्तों वीवो। जी हाँ दोस्तों, वीवो, ओप्पो और रियलमी, वन प्लस, एक कंपनी और है जो IQOO कंपनी है, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हो, बट ये कंपनी बहुत जल्दी उभर कर आने वाली है। तो इन कंपनीज के CEOs अलग हैं, इनके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अलग अलग है, और इनके एडवर्टाइजमेंट्स अलग अलग आते हैं, मॉडल्स अलग हैं इनके। तो ये सारी कंपनीज को कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता कि यार इन सारी कंपनी के पीछे एक ही ऑनर है या एक ही बंदा इन सारी कंपनीज को लीड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये अजीब है, चौंकाने वाला है, बट ये सच है। इन पांचों कंपनीज को एक अकेली कंपनी, पेरेंट कंपनी लीड कर रही है। उस कंपनी का नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ दोस्तों, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, और जिस जो कंपनी का मेन हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है चाइना में, डेंगवान में, और इसका जो फाउंडर है वो है डुआन योंगपिंग। यस दोस्तों, डुआन योंगपिंग इज द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, एंड ये कंपनी जो फाउंड हुई थी ये 1998 में हुई थी, और बहुत ही जल्दी इस कंपनी ने सेकेंड पोजिशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम बात करें मोबाइल की दुनिया की, तो सेकेंड पोजिशन इस कंपनी ने हासिल कर ली है। और मोबाइल के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है दोस्तों। ये आपने सुना होगा, स्मार्ट वॉचेस ये बनाती है, ब्लू रे कैमराज ये बनाती है, MP3 प्लेयर्स बनाती है, TV बनाती है, टेलीविजन जिसको हम देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम बात करें मोबाइल फोन, तो आप जानते ही हैं आप कि ये पांच पांच कंपनीज का मालिक है। जी हाँ दोस्तों, डुआन योंगपिंग जिसको लीड कर रहे हैं, जो बीबी की कंपनी को लीड कर रहे हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों इसकी ईयरली इनकम की, तो आप जानकर चौंक जाएंगे इसकी इनकम। जी हाँ दोस्तों, इसकी इनकम थी 2018 में और 2018 में इसकी 67 बिलियन डॉलर्स जो थी इसकी इनकम थी, और आई थिंक 2019 में बढ़कर ये और 109 मिलियन के करीब हो गई है। तो इसकी इनकम से ही आप लगा सकते हैं किस हिसाब से इसकी इनकम बढ़ रही है, उसी हिसाब से इसका मार्केट में शेयर भी बढ़ रहा है, इसने मार्केट का एक बहुत बड़ा पार्ट लीड कर रखा है। जी हाँ, इसकी आपने देखा इनकम कितनी ज़्यादा है, 67 से 109 बीडी मिलियन डॉलर पे पहुंच गई, पांच पांच मोबाइल कंपनीज को लीड कर रही है अकेली, और भी इसके अलावा स्मार्ट वॉचेज हैं, टेलीविजन एक्सेट्रा, सारी चीज़ें ये बना रही है। और जब ये कंपनी ट्रेंड में आई, जब ये कंपनी मार्केट में आई, तो मार्केट शेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा इस कंपनीज के हो गए, और जो अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज थी वो इसको देखती रह गई, और ये धीरे धीरे उन कंपनीज से आगे निकल गई। इवन दोस्तों, ये अब धीरे धीरे एप्पल जैसी कंपनीज को कॉम्पीट कर रही है, और एप्पल जैसी कंपनीज के साथ में आके ये खड़ी हो गई। तो दोस्तों, ये थी बीबी के कंपनी। आई होप कि आपको ये
शायद नहीं पता होगा कि पाइप कंपनीज को अकेली कंपनी लीड कर रही है और इतनी ज़्यादा इनकम है इस कंपनी की, इतनी अच्छी यू नो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दोस्तों आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।